ग्रैंड फिनाले के सेट से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ग्रैंड फिनाले में इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, और सलमान खान जो है करने वाले हैं अपना सॉन्ग लॉन्च। किसी का भाई किसी की जान का जो पहला गाना है वो आज बिग बॉस 16 के फिनाले पर लॉन्च किया जाएगा, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि ग्रैंड फिनाले का शूट जो है शुरू हो चुका है और हमने आपको उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई। सलमान खान का कॉल टाइम जो है 4 बजे का दिया गया है। इसके बाद कुछ सेगमेंट्स उनको ओपनिंग और जितने भी सेगमेंट शूट हो चुके हैं उन सभी के पैक जो है एंकर शूट करने हैं। उनका सेगमेंट आएगा टॉप 5 के बाद। ये सभी के जितने सेगमेंट है खत्म होने के बाद जो है वो अपना करेंगे। अमीषा, सनी देओल ये सब आने वाले हैं, अब्दुल रोजिक के साथ उनका परफॉर्मेंस है, और सलमान खान की जो फिल्म आ रही है किसी का भाई किसी की जान उसका पहला गाना आज बिग बॉस के सेट पर रिलीज हो जाएगा। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि सलमान भी अपने सॉन्ग को यहां रिलीज कर रहे हैं। खुद रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाड़ी का आगाज बिग बॉस 16 के मंच पर आके किया और पहला कंटेस्टेंट चुना। हालांकि इसको लेकर मेकर्स ने इतने गूफ अप कर दिए, पहले शिव की तस्वीर रिलीज की ये कहते हुए कि वो बने हैं खतरों के खिलाड़ी के पहले कॉन्टेस्टेंट, उसको डिलीट करके फिर शालीन की तस्वीर को रिलीज किया गया और अब शालीन खतरों के खिलाड़ी के फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट बने हैं। यानी कि मेकर्स तो बनाना चाहते हैं, शालीन ने तो मना कर दिया उसे करना नहीं, तो अब क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन अब क्या शिव भी रहेंगे खतरों के खिलाड़ी में, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जो खबर आ रही है ग्रैंड फिनाले को लेकर, सुबह भारती पहुंची, उसने साफ कहा कि एमसी स्टैन रियल है, मैं चाहती हूं कि अर्चना या फिर स्टैन या फिर शिव को मिले ट्रॉफी, और प्रियंका और शालीन का नाम उसने नहीं लिया। लेकिन आज जब सलमान खान पहुंचेंगे तो देखना होगा कि टॉप 2 में उनके साथ कौन खड़ा होगा, किसके हाथ में वो ट्रॉफी देते हैं। आप लोगों को कितना इंतजार है कमेंट करके जरूर बताएं।